हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुरजीत सिंह और यह है पैंसी फ्लावर। आज हम सीखेंगे पैंसी फ्लावर के बारे में। इसकी शेप तकरीबन तितली की आकार की होती है। ये ऐसे ही लगता है जैसे तितली होता है और इसके काफ़ी ज़्यादा कलर होते हैं, हाइब्रिड और थोड़े एक छोटी क्वालिटी का भी होता है, और ये इसके सीड्स भी बनते हैं। ये मोस्टली हर एक नर्सरी वगैरह में अवेलेबल होता है और सर्दियों के मौसम का ये फूल आप कहीं से भी ले सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, काफ़ी लार्ज फ्लावर है, तकरीबन मेरे हाथ से भी काफ़ी बड़ा है। और इसके बीच में ये शेप देखिए, ये बटरफ्लाई जैसी शेप। और इसका पूरा प्लांट है, तकरीबन एक प्लांट में ही 100 से 150 फूल आते हैं और ये 4-5 महीने तक टिका रहता है, तकरीबन मार्च अप्रैल तक। उसके बड्स बनते जाते हैं और फूल इसमें आते रहते हैं। अगर आप इसकी पनीरी लोगे, तकरीबन छोटे से प्लांट की, तो आपको 6 से 7 रुपए की मिल जाएगी। काफ़ी आपको सस्ती भी पड़ेगी और ये देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास ये 6-7 कलर का है इस समय। और हमने इस प्लांट को कम से कम पानी देना होता है, क्योंकि जितनी इसको अच्छे से धूप लगेगी, गर्मी लगेगी और कम पानी दिया जाएगा, उतने ज़्यादा इसमें बड्स बनेंगे और उतने ज़्यादा ये फ्लावरिंग करेगा। अगर हो सके तो फ्रेंड, आप कोशिश करें इसके फूल सूखने से 20-25 दिन बाद इसमें जो फूल, जहाँ पर ये सूखता है, उस बड्स में बीज बनने शुरू हो जाते हैं और आप वो सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं और उनको 6-7 मंथ तक कलेक्ट करके रखो, और उसके बाद सीजन आने पर आप उनको फिर से ग्रो कर सकते हो। ये देखिए, अगर इनको अच्छे से धूप लगती रहे तो इनमें बड्स बनते रहते हैं और फ्लावर आते रहते हैं और देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इसमें तो फूल काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ के आ रहे हैं। इन गमलों में पहले से काफ़ी ज़्यादा खाद दी हुई थी। और इसी तरह से आप देख सकते हैं, प्योर वाइट का है और बीच में इसके पर्पल कलर का है, बटरफ्लाई बना हुआ है। ये देखिए नेचुरली कितना सुंदर दिखता है ये। मैं आपको भी एडवाइस देता हूँ, आप भी अपने घर में गार्डन या जो भी आपके पास पॉट वगैरह है उसमें इसको जरूर लगाएं, क्योंकि सर्दियों का ही सीजन होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के आपको फ्लावर मिलते हैं।